अभी की सबसे बड़ी खबर टीचर घोटाले मामले के मास्टरमाइंड पार्थ चटर्जी की जमानत की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि अलीपुर कोर्ट ने पार्थ चटर्जी समेत 7 लोगों को आइंदा 2 मार्च तक जेल हिफाजत में रखने का हुक्म दिया है। याद रहे कि टीचर घोटाले मामले में आज पार्थ चटर्जी समेत 7 लोगों को जेल हिफाजत के बाद अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने सीबीआई के वकील को सवाल के कटघरे में खड़ा किया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील से कहा है कि इस मामले के तमाम दस्तावेजात कहाँ हैं, इस मामले में पूरा सर्च हुआ है या नहीं, बयान रिकॉर्ड किया गया है या नहीं, बैंक स्टेटमेंट लिया गया है या नहीं, और क्यों अब तक 164 नहीं लगाया गया। वहीं सीबीआई के वकील ने अदालत में कहा है कि पैनल को कैंसिल कर दिया गया। पैनल क्यों कैंसिल किया गया, सीबीआई इस मामले की पूरी तौर पर जांच कर रही है। सिर्फ यही नहीं, सीबीआई के वकील ने अदालत को यह भी बताया है कि पूरे तौर पर बहुत दिनों से ये प्री प्लान किया गया था कि वेब मार्केट सेट कहां और किसके पास जाएगा, हाथों की सफाई बआसानी से की गई है। याद रहे कि ईडी के वकील ने पश्चिम बंगाल के एजुकेशन व्यवस्था पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि बंगाल में 2 महान पुरुष है, एक विद्यासागर जिनकी पैदाइश 26 सितंबर 1820 में हुई जो एजुकेशन को 100 साल आगे लेकर गए, और एक तृणमूल के एक्स प्रेसिडेंट पार्थ चटर्जी जिनकी पैदाइश 6 अक्टूबर 1952 में हुई जो पश्चिम बंगाल के एजुकेशन व्यवस्था को 100 साल पीछे कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, ईडी के वकील ने यह भी कहा कि केस डायरी देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्थ चटर्जी का टीचर घोटाले मामले में बहुत बड़ा रोल रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर रिश्वतखोरी तक साफ साफ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि कुंतल घोष ने भी इस बात को कबूल किया है कि पार्थ चटर्जी के घर में 10 लाख रुपए जाकर दिया है। गुज़िश्ता रोज ईडी के जानिब से जो चार्जशीट पेश किया गया, इसमें अर्पिता ने कहा है कि सारा पैसा और जेवर पार्थ चटर्जी का है, मगर पार्थ चटर्जी ने सीबीआई के सवाल पूछे जाने पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। पार्थ चटर्जी पूरे तौर पर चुप्पी साधे हुए हैं। এবং তথ্য প্রমাণ আনার জন্য যে সময়টা আমাদের সিআরপিসিতে দেওয়া আছে সে সময় অলরেডি পেরিয়ে গেছে এবং সেই সময় এক্সটেন্ড করে না। এই গ্রাউন্ডে আমরা বলেছি বেল দেওয়া হোক, এবং সিবিআই কোথাও একটা আমাদের মনে হয়েছে কোনো কোনো বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে বা অদ্ভুতভাবে দেখা যাচ্ছে যে একটি মামলা করা হয়েছে এবং সেখানে যারা অ্যারেস্টেড হচ্ছে ডাইরেক্টলি অর ইনডাইরেক্টলি কোনো একটা পলিটিক্যাল পার্টির সঙ্গে কানেক্টেড, এবং সেই সমস্ত কিছু থেকে আমাদের মনে হয়েছে যে যথার্থ বিচারের জায়গায় বা এভিডেন্সের জায়গায় সিবিআই পৌঁছাতে পারছে না, সেই জন্য বিচার প্রক্রিয়াও শুরু হতে দিচ্ছে না, ইনভেস্টিগেশনের নামে ডিলে করে চলেছে।